हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रफाइल के बारे में, कुछ ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन रफाइल के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहना, और यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि हम अपने चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड, जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, तो इसलिए यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है आज के ज़माने का मॉडर्न रफाल फाइटर जेट जो अभी इंडिया में आने वाला है। इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो इसका जो रडार सिस्टम है वो बहुत ही कमाल का रडार सिस्टम है। मतलब कि एक ही समय पे उन्होंने 40 दुश्मनों के प्लेन्स के ऊपर नज़र रख सकता है और 8 दुश्मनों के प्लेन्स के ऊपर सटीक हमला कर सकता है। और इसका जो वेट लोडिंग कैपेसिटी है, रफाल का जो वेट लोडिंग कैपेसिटी है वो है 900 kg तक। मतलब इसका दुगना, जो रफाल प्लेन का जो वेट है उसका दुगना वेट लेके आसमान में जा सकता है और सटीक बॉम्ब बारी कर सकता है। तो इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 1389 किलोमीटर पर आवर। इतने स्पीड में ये हवा में उड़ सकता है। और इसके जो कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम अब आप जानेंगे। तो दोस्तों, इसका पूरा नाम है डेजोल्ट रफाइल। रफाइल का मीनिंग है गस्ट ऑफ विंड एंड बस्ट ऑफ फायर। मतलब ये हवा की तेज़ी से उड़ सकता है और आसमान में पहुंचने के बाद जैसे कि आसमान से फायर, अग्नि के गोले बरस रहे हो, वैसे बमबारी कर सकता है। इसलिए बस्ट ऑफ फायर कहा गया है इसे। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है डेजोल्ट एविएशन कंपनी, फ्रांस। और दोस्तों, ये है ट्विन इंजन कनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे फ्रांस ने बनाया है। तो दोस्तों, बात करें इसके ऑपरेशंस की तो सबसे पहले इसके जो 6 ऑपरेशंस एक साथ कर सकता है वो है एयर सुप्रीमेसी, इंट्रोडिक्शन, एरियल रिकॉग्निशंस, ग्राउंड सपोर्ट, एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैरिंग। मतलब कि रफाल से पहले जो भी एयरक्राफ्ट थे इंडियन एयरफोर्स के पास, इन सभी ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को अलग अलग एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जब रफाल आएगा इंडिया में, जब रफाल आया इंडिया में तो ये छः ऑपरेशन रफाल अकेला ही कंडक्ट कर सकता है और ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो दोस्तों, ये है कनार्ड डेल्टा विंग। कनार्ड डेल्टा विंग एक बहुत ही अहम हिस्सा है रफाल में। और क्योंकि जब रफाल आसमान में होता है या फिर नेवल शिप्स में लैंडिंग पोजीशंस पे आता है, कनार्ड डेल्टा विंग बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। जब रफाल आसमान में होता है तो रफाल को बैलेंस करने के लिए, हवा के डायरेक्शंस को बैलेंस करने के लिए रफाल कनार्ड डेल्टा विंग यूज़ किया जाता है और ये फुल्ली कंप्यूटराइज होता है। और जब नेवल शिप्स पे रफाल लैंडिंग पोजीशंस पे आता है तो इसकी स्पीड को कम करने के लिए कनार्ड डेल्टा विंग्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि नेवल शिप्स का जो रनवे है वो बहुत ही कम होता है और कनार्ड डेल्टा विंग्स का यूज़ करके इसकी स्पीड को ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये 3 जो मिसाइल शिप्ड कंटेनर्स हैं वो दरअसल कोई मिसाइल्स नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा फ्यूल कंटेनर से, मतलब लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस में से इस्तेमाल किया जाता है ताकि बीच में कोई भी फ्यूल की कमी ना हो पाए इसीलिए। और दोस्तों, रफाल की एक और खासियत यह है कि इसे हवा में ही फ्यूल भराया जा सकता है। जी हाँ, बहुत बार एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम होता है कि लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस में फ्यूल की कमी आ जाती है जिसकी वजह से मजबूरन उस एयरक्राफ्ट को नीचे उतारना पड़ता है, लेकिन रफाल में ऐसा नहीं है। रफाल में एक रफाल को यूज़ करके दूसरे रफाल में फ्यूलिंग किया जा सकता है, फ्यूलिंग पाइप को यूज़ करके। और ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही अत्याधुनिक तरीका है रफाइल में। तो दोस्तों, रफाइल की एक और खासियत है कि ये रफाइल जितने भी स्पीड पे, हवा में कितने भी स्पीड पे क्यों ना हो, इसका जो कैमरा है जो नीचे लगाया हुआ है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का कैमरा है और ये वो हाई क्वालिटी इमेजेस क्लिक करता है और पायलट्स को सेंड करता है, जिसकी वजह से पायलट्स को अपने ज़मीन पे निशाना साधने के लिए बहुत मदद मिलता है। और ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी कैमरा है। मतलब रफाल कितने भी स्पीड पे क्यों ना हो, ये कैमरा जो है सटीक फोटोज़ खींचता है और
सटीक निशाना लगाने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड लगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।